तुम ठीक हो ये मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ठीक नहीं हो सकते, और ये लोग तुम्हारे साथ ठीक बर्ताव कर रहे हैं ये भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं इन लोगों को। लेकिन नताशा, अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है या तुम्हें हाथ लगाया है तो साफ साफ बताओ मुझे, बेझिझक बिना डरे। मैं किसी ने हाथ नहीं लगाया, पर ये लोग मुझे सोने नहीं देते, बार बार एक ही सवाल पूछते रहते। मैं कोई अंधेरे रूम में बंद कर रखे और मुझे पता भी नहीं है बाहर क्या चल रहा है, दिन है या रात है, वक्त क्या है। ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और आने वाला वक्त और भी मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे होते हुए अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें कोई जेल में बंद नहीं कर सकता। बस सिर्फ एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुमने ये खून नहीं किया। मेरे लिए यह सच जानना बहुत जरूरी है। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। आई स्वेयर मैं किसी का खून कर ही नहीं सकती हूँ। इतना सब कहने की जरूरत नहीं है नताशा, सिर्फ मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे बताओ क्या तुमने जयंत कल्याण का खून किया है। आई स्वेयर मैंने किसी का खून नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। चलो पहले मुझे ये बताओ कि एक मेडिकल स्टूडेंट एस्कॉर्ट कैसे बन जाती है। वो वक्त हमारे लिए मुश्किल था, मेरे भाई को टीबी हुआ था। अगर तू बुरा नहीं मानेगी मैं तुझसे एक सवाल पूछूं। नहीं मतलब तू मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है इसीलिए मैं तुझसे पूछ रही हूँ। एंड इफ यू माइंड प्लीज इट्स ओके। नताशा हम भूमिका ही बांधती रहेगी, पूछेगी भी, पूछ क्या पूछना है। देख तू मेरी अच्छी फ्रेंड है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ये महंगी गाड़ी, ये फोन, ये कपड़े, ये जूते तो अफोर्ड कैसे कर पाती है? तेरे पास तो अभी जॉब भी नहीं है। अरे यार क्या बताऊं, एक्चुअली समीर से ब्रेकअप के बाद ना मुझे ये समझ आया कि ये सारा ड्रामा सिर्फ पैसों का है, प्यार का तो नहीं है। मतलब यू नो व्हाट नताशा, हम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, हम लड़कियां हमेशा सिक्योरिटी ढूंढती रहती हैं और फिर हम किसी भी लड़के को दे क्या सकते हैं बगैर प्यार के। तो बस समीर से ब्रेकअप हुआ और उसके बाद में मुझे ये समझ आया कि पैसों के लिए प्यार करने से अच्छा है पैसों के लिए सेक्स करना, एटलीस्ट आपका दिल तो बचा रहता है। What? You mean to say you're like... Yes, escort हूँ मैं, तेरी फ्रेंड escort है नताशा। नताशा एक वेबसाइट है गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस नाम की, वहाँ पर कुछ अमीर लोग, मोस्टली बूढ़े लोग या फिर मिडिल एज मर्द लड़कियाँ पसंद करते हैं और जो लड़की वो सेलेक्ट करते हैं वो उनको गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस देती है। कुछ भी हो सकता है यार, जैसा कि वीकेंड्स पे उनकी गर्लफ्रेंड बनना हो या फिर इट कुड जस्ट बी लॉन्ग कन्वर्सेशंस या फिर वाइल्ड किंकी सेक्स। एनीवेज जाना है या नहीं कि तुम्हारी मर्जी है, बट द बेस्ट पार्ट इज उस रात के बाद तुम्हारी जिंदगी पर उनका कोई हक नहीं होता और ना तुम्हारा उनकी। आप तो जानती है मैं यहाँ आपसे किस लिए मिलने आई हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है अपने मुंह से बताना इम्पोर्टेंट है। सो द वेबसाइट
the girlfriend experience? Actually, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं. वैसे भी तुम रोमा के रेफरेंस से आई हो, तो मुझे तुमसे कोई सवाल पूछने की या किसी और रेफरेंस की जरूरत नहीं. प्रोसीजर्स, आई मीन, वैसे रोमा ने मुझे कुछ बताया नहीं कि क्या करना पड़ता है एंड ऑल दैट. हाउ क्यूट. डरो मत, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. बस मुझे तुम्हारी एक दो सेक्सी पिक्चर्स चाहिए होंगी जो मैं वेबसाइट पर डाल दूंगी एंड यू आर गुड टू गो. वैसे माशाल्लाह जितनी खूबसूरत तुम हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम होगी. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मेरे पिक्चर्स अपलोड मत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ किसी को पता चले. अरे अरे, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो. प्लीज डोंट वरी, मेरा वेबसाइट एक पेड वेबसाइट है और सिर्फ मेंबर्स तुम्हारे फोटोज देख पाएंगे और कोई नहीं. ये कहावत तो सुनी होगी तुमने, इस हमाम में सब नंगे. यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ छुपके छिपा के ही आता है. एनीवे, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तुम्हें कुछ नई चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे आई मीन जैसे कपड़े, जूते, अ लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग. बट डोंट वरी, फर्स्ट टाइम वेबसाइट तुम्हारे सारे खर्चे उठाएगी. तुम हमें वापस लौटा सकती हो बाद में. थैंक यू. आई नो यू टोल्ड योर फ्रेंड यू आर नॉट ओके एंड टेल मी व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाई यू नेवर सेड यू फेल्ट दैट वे. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. बताओ कि एक लड़की जो द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस जैसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, मेरा मतलब है जिसके लिए काम करती है, वो एक इज्जतदार और शरीफ
एटलीस्ट सोसाइटी की नजरों में इज्जतदार और शरीफ फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन से कैसे मिलती है? मतलब ये मुलाकात हुई कैसे? हम पहली बार कमला कर के साथ मिले थे। वैसे एजेंसी के रूल्स हमें इजाजत नहीं देती है कि मीटिंग से पहले हम क्लाइंट के बारे में पता करें, क्लाइंट के सेफ्टी के लिए। बट आज मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं आप ही से मिलने वाली हूँ। आप शायद साइकिक भी है, नहीं? बहुत सारे कैरेक्टर्स का बोझ उठाए फिर रही हूँ, एक और नहीं। ये भी ठीक है। तो बताइए कहां से शुरू करना चाहते हैं आप, कैसे पसंद करते हैं आप? क्या पसंद करता हूं मैं? मतलब यू वांट टू ड्रिंक समथिंग? नो, आई मीन मैं कपड़े यहीं उतारूं या बेडरूम? हाँ वो क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब क्यों, ये आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? ऐसा मैं क्यों करना चाहती हूँ? आपने मुझे दी गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस वेबसाइट से इस होटल में बुलाया, तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, हाउ वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस? अरे अरे ऐसा नहीं है, आप जो सोच रही हैं नताशा जी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दरअसल में उस दिन हम लोग बातचीत कर रहे थे एंड इट वाज गेटिंग इंटरेस्टिंग, इतने में कमला कर रहे बाथरूम में से निकल के आके डिस्टर्ब कर दिया और हमारी बात अधूरी रह गई। बस मैंने सोचा मिलकर हमारी बात खत्म करें। अमन एस्कॉट, बातें शुरू तो बहुत लोग करते हैं पर खत्म कोई नहीं। चलिए शुरू ही सही। तो उस दिन आप कह रही थी यू कम अक्रॉस एज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। सच में नताशा जी, इट्स वंडरफुल मीटिंग यू। और फिर मैं फार्मा कंपनी का मालिक और आप होने वाली डॉक्टर। ओके, तो आप मुझे यहाँ अपनी दवाइयां बेचने के लिए बुलाए हैं। माँ बाबा मुझे और भाई को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। भाई मुझसे बड़े है, मुझे छोटी कहकर बुलाता है। हालांकि वो मुझसे बड़ा है लेकिन बचपन से आज तक मैं ही उनका ख्याल रखती आई हूँ, पर मुझसे बहुत प्यार करता है। He loves me a lot। भाई आपकी दवाइयाँ, ये इलेक्ट्रोल पाउडर, ये सिर्फ आपको एक ही बार लेना है और ये एंटीबायोटिक्स दो बार। ठीक है डॉक्टर। पोस्ट लंच पोस्ट डिनर। और ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, और भी लेकर आई हूँ, ये वाला भी और ये भी। अरे छोटी, लेकिन इतना सब कुछ, ये सब तू पैसे तो कहाँ से लाई ये सब तू? वो पिछले दिनों में इतना सब कुछ हो गया ना, मैं आपको बताना ही भूल गई। मुझे स्टूडेंट स्कॉलरशिप मिल रही है और एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ रिसर्च असिस्टेंट की। क्या बात है छोटी, तू चैंपियन है मेरी, ऐसे देख के बहुत खुशी होती है, लेकिन खुद को इस हालत में देख के बहुत दुख भी होता है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मैं टीवी से बिस्तर में पड़ा हूँ। मुझे तेरा ध्यान रखना चाहिए, उल्टा तू मेरा ध्यान रख रही है। मैं इतनी मेहनत करूं, इतना काम करूं कि मेरी छोटी को डॉक्टर की पढ़ाई करने में कभी कोई कमी ना है किसी से। सब कुछ ठीक हो रहा है और आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाओगे, फिर आपको मौका मिलेगा ना मेरी हिफाजत करने का। फिलहाल मेरा टर्न है। जिंदगी के तजुर्बे से मैंने एक बात काट बांध ली है, अकेला रहना सीख लो। रिश्ते चाहे कितने भी सच्चे हो, एक ना एक दिन साथ छोड़ देते हैं।
यस आई गॉट इट ये देखो आहा ई एल आर ये वन योर ब्रैगर ब्रैगर देयर इज नो वर्ड कॉल्ड ब्रैगर अरे क्या बात कर रही हो तुम ब्रैगर होता है वो जो लोग हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं ब्रैगर प्लीज आप भी जानते हैं इट्स ब्रैगर्ट नॉट ब्रैगर व्हाट अ चीट यू आर ना ब्रैगर हम लोग सिल्वा आंख होटल में मिले थे हम दोनों बहुत खुश थे बहुत बातें कर रहे थे और फिर बातें करते करते पता नहीं कब सो गए एंड व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई सॉ हिम लाइंग डेड नेक्स्ट टू मी ही वाज कवर्ड इन ब्लड मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूंगी और मैं वहां से भाग गई क्योंकि दैट वाज द ओनली थिंग दैट केम इन माय हेड डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ नताशा तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद ऐसा ही करता और वैसे तुम नहीं भागती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस रात उस कमरे में तुम्हें छोड़ के और कोई नहीं था इसलिए शक के दायरे में पहले तुम ही आती और वैसे भी पुलिस रिकॉर्ड्स में उस कमरे से ना कोई बाहर आया है ना कोई अंदर गया है तो इट्स जस्ट यू मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो लेकिन ये अदालत के सामने साबित करना अलग ही बात है क्या करें नताशा सब बदल गया आजकल कानून भी मुजरिम को पकड़ने से ज्यादा केस फाइल को बंद करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है इट्स जस्ट हाउ द टाइम्स आर बट नॉट टू वरी हौसला बुलंद है जनाब वी शैल विन इट सो अभी आई मस्ट गो एंड prepare for your bail hearing and please don't go now mujhe bail mil jayegi na hum puri koshish kar rahe hain don't worry par aap samajh nahi rahe please mujhe yahan akele chhod ke mat jaiye mujhe bahut dar lagta hai ye log mujh pe bahut torture karte hain mere ko baar baar ek hi sawal poochte hain aur main ek hi jawab dete dete thak gayi hu mujhe andar se dar lagta hai listen to me natasha listen to me Listen to me. Listen. Nelson Mandela जैसा महान आदमी भी अपनी आधी जिंदगी जेल में रहा डर तो उन्हें भी लगता था लेकिन तब वो अपनी फेवरेट कविता सुनते थे हिम्मत बढ़ाने के लिए जब तुम डर के मारे फर्श पे रेंग रही हो तो इस कविता के शब्द तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे Believe me. But do something. I just don't Listen. Want to stay here. Please do Listen. Something. Listen to me. Out of the night that covers me. Black as a pit. From pole to pole. I thank whatever gods may be. For my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance. I have not winced. Nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is heavy, but unbowed. Beyond this world of wrath and tears, looms but the horror of the shade. And yet, the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. देखिए परेशानी की कोई बात ही नहीं राल में ये केस हम ऑलरेडी जीत चुके हैं बस देखना ये है कि फैसले को हमारे हक में आने के लिए कितनी हियरिंग्स लगती है वकील साहब बस इतना ध्यान रहे किसी भी कीमत में वो एस्कॉर्ट बाहर नहीं आनी चाहिए उसे मौत की सजा हो उसके पहले वो जेल में सड़े और तड़पे जिस तरह उसने मेरे पापा को तड़पाया जिस तरह उसकी वजह से मेरी मां तड़प रही उसकी मौत के पहले उसे हर पल में मौत मिली
बस यही चाहता हूँ। डोंट वरी मिस्टर कल्याण, उसके बाहर आने का कोई चांस ही नहीं। आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स, बट ये सिर्फ आपके पापा का केस नहीं है, ये कॉम्पोजिट फार्मा के मालिक जयंत कल्याण का मर्डर केस। और ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस में देयर इज नो वे बिल पे बाहर छोड़ेंगे उसे, यहाँ से बच के नहीं जाएगी वो। देखिए मैं आपको दावा करता हूँ कि अब जितनी भी सांसें लेगी वो जेल की हवा में लेगी, उसके बाद राम नाम सत्य।